हॉलीवुड डायरी में आपका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड डायरी में नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज द विचर के फर्स्ट सीजन को और उसकी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करेंगे। अंद्रेज सपकोस्की के नॉवल पर बेस्ड द विचर के पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड हैं और ये पहला सीजन एंड्रेज की बुक द लास्ट विश एंड स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी पर बना है। विचर के पहले सीजन में एक साथ तीन अलग अलग टाइमलाइंस चलती हैं, जिस कारण ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन इसके सारे ही एपिसोड्स आउटस्टैंडिंग हैं। द विचर विशेष रूप से तीन किरदारों पर आधारित है। पहला द विचर, जिसे हेनरी कैवल ने निभाया है, इन्हें तो हम सब जानते ही हैं क्योंकि ये हमारे सुपरमैन हैं। दूसरा कैरेक्टर सीरी, जिसे फ्रेया एलन ने निभाया है, और तीसरा येनेफर ऑफ वेंगरबर्ग, जिसे भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्टर एना चालोट्रा ने निभाया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये एपिसोड स्पॉइलर से भरा हुआ है क्योंकि हम द विचर के पहले सीजन को पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। विचर यूनिवर्स की शुरुआत 1200 से 1500 साल पहले हुई थी, जब कंजंक्शन ऑफ द स्फीयर्स हुआ था, या दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरी दुनिया और पृथ्वी के बीच एक संयोजन हुआ था। इस संयोजन के कारण ऐसी दरारें उत्पन्न हो गईं जिसमें से कई शैतान पृथ्वी पर आ गए। इन शैतानों में पिशाच, दानव, वेयरवुल्फ और कई प्रकार के मॉन्स्टर शामिल थे। फिर इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एल्व्स लोगों ने इंसानों को भी जादू सिखाया, और हम इंसान तो इंसान ही होते हैं, इसलिए इंसानों ने जादू सीखने के बाद एल्व्स लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी, और इसके बाद इंसानों ने एल्व्स लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं की गईं, और बचे कुछ एल्व्स डर कर पहाड़ों पर छिपकर रहने लगे। लेकिन पृथ्वी पर जो शैतान या मॉन्स्टर्स आ चुके थे, उनसे लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए था, इसलिए विचर्स बनाए गए, और हमारा हीरो गेराल्ट ऑफ रिविया भी उन विचर्स में से एक है। ये लोग मॉन्स्टर्स को मारते हैं और बदले में इंसानों से पैसे लेते हैं। द विचर की शुरुआत तब होती है जब सेना, जो गेराल्ट की माँ है, गेराल्ट को कैर मोरहन के दरवाजे के पास छोड़कर चली जाती है। उस वक्त गेराल्ट एक छोटा बच्चा था। कैर मोरहन वो जगह है जहाँ विचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या ये कह सकते हैं जहाँ विचर्स बनाए जाते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता दें, क्योंकि गेराल्ट की माँ एक जादूगरनी थी और साथ ही साथ उसे भविष्य देखना भी आता था, ये उसका एक वरदान था, इसलिए उसे पता था कि गेराल्ट सबसे बेहतर विचर बनेगा। और गेराल्ट वेसेमिर को मिलता है। वेसेमिर सबसे पुराना और एक्सपीरियंस विचर है। वेसेमिर गेराल्ट को ट्रेन करता है और फिर गेराल्ट भी विचर बनता है। यहाँ हम आपको बता दें कि गेराल्ट के लिए वेसेमिर पिता के समान है। विचर्स की ट्रेनिंग के दौरान उन पर कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जो बहुत ही तकलीफदेह होते हैं, और ये उनको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनाते हैं। विचर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स आ जाती हैं, और विचर के साथ ये परिवर्तन उसकी शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को भी कम कर देते हैं। इन सभी विचर्स में गेराल्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सारे परीक्षण और परिवर्तन गेराल्ट ने बहुत आसानी से सहन कर लिए थे, इसलिए गेराल्ट पर और ज़्यादा परीक्षण किए गए, जिसके कारण उसकी स्किन और बालों का कलर पूरी तरह से सफ़ेद हो गया, और आगे चलकर लोग उसे व्हाइट वुल्फ ऑफ ग्वेनब्लेड कहने लगे। अब हम येनेफर की बात करेंगे। येनेफर एक जादूगरनी है। येनेफर की माँ एक इंसान थी और पिता हाफ एल्फ हाफ ह्यूमन थे, इसी कारण येनेफर दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादूगर में से एक है। क्योंकि एल्फ नेचुरल जादूगर होते हैं, इसलिए येनेफर एक पैदाइशी जादूगर है। एल्फ और इंसान का बच्चा होने के कारण येनेफर कुबड़ी भी है। येनेफर कुबड़ी होने के कारण दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी, और उसके पिता की हत्या के बाद उसकी माँ ने एक इंसान से शादी कर ली। वो इंसान येनेफर पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि वो उसका असली बाप नहीं था, इसलिए येनेफर के साथ उसने और बाकी लोगों ने भी बहुत बुरा व्यवहार किया। अगर हम बुक के अनुसार देखें तो ये घटना गेराल्ट के पैदा होने से पहले घटित हुई थी। क्योंकि जादूगरनी मरती नहीं है, या हम कह सकते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है, इसलिए येनेफर की उम्र का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है,
और द विचर में भी येनिफर को काफी कम उम्र का दिखाया गया है। हम वापस से द विचर की स्टोरी पर आते हैं। यहाँ येनिफर का नाजायज पिता उस पर जुल्म करता है और येनिफर को जादूगर नीटेसाया को मात्र 4 मार्क्स में बेच देता है। येनिफर इस बात से बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उस समय एक सुअर की कीमत भी 10 मार्क्स थी और उसे मात्र 4 मार्क्स में बेच दिया गया था। यहाँ हम आपको बता दें कि टिसेया को यह पता चल गया था कि येनिफर में कमाल की मैजिकल पावर्स हैं, क्योंकि जब एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड येनिफर को परेशान करते हैं तो वो अनजाने में अपने जादू का इस्तेमाल कर खुद को वहां से गायब कर एरेतुजा पहुंच जाती है। एरेतुजा जादूगरों का स्कूल है। एरेतुजा में नए जादूगरों को ट्रेन कर जादूगर बनाया जाता है। जब येनिफर वहां पहुंचती है तो उसे वहां इस थ्रेड मिलता है और फिर इस थ्रेड उसे वापस अपने घर भेज देता है। आगे चलकर इस थ्रेड से येनिफर को प्यार हो जाता है। येनिफर के खुद को जादू से एरेतुजा पहुंचाने पर थीसिया को पता चलता है कि ये एक बेमिसाल जादूगरनी है, क्योंकि बड़े से बड़े जादूगर भी ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाते, और वो भी पहली बार में ही। हालांकि एरेतुजा में भी येनिफर का समय ठीक नहीं था, क्योंकि पहले तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है। फिर लगातार ट्रेनिंग के दौरान सामान्य जादू भी वो ठीक तरह से नहीं कर पाती और बार बार फेल होती जाती है, लेकिन येनिफर बड़े जादू बड़े आराम से पहली बार में ही कर लेती है। येनिफर अपनी ट्रेनिंग के दौरान लगातार इस थ्रेड से मिलती रहती है और वो भी उसे सपोर्ट करता रहता है। पूरी दुनिया में इस थ्रेड पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिया था। और फिर येनिफर को इस थ्रेड से प्यार हो जाता है और आखिरकार में येनिफर को ये पता चलता है कि इस थ्रेड ने येनिफर से दोस्ती अपने टीचर जादूगर स्ट्रेगोबार के कहने पर की थी, ताकि वो येनिफर का राज पता कर पाए। और दूसरी तरफ टीसिया ने भी येनिफर को इस थ्रेड के पास भेजा था और इन लोगों को दिया गया टास्क पूरा करना था ताकि वो आगे बढ़ पाए। लेकिन येनिफर का राज जानकर इस थ्रेड का टीचर जादूगर स्ट्रेगोबार पॉलिटिक्स करके येनिफर को निल्फगार्ड भेज रहा था, जबकि येनिफर अपने शहर एड्रिन जाना चाहती थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जब कोई जादूगर स्कूल में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसे एक राजा के पास भेजा जाता है, जहाँ वो उस राजा की हेल्प करता है। यहाँ येनिफर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने जिससे सच्चा प्यार किया था उसने भी उसे धोखा दिया। इसी दुख के कारण येनिफर खुद को खूबसूरत बनाने का निर्णय लेती है। इस प्रक्रिया में वो खूबसूरत तो हो जाती है, पर इस प्रक्रिया के कारण वो कभी अब माँ नहीं बन पाएगी। येनिफर एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरती है और बहुत खूबसूरत बन जाती है, लेकिन जैसे हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, इसकी कीमत येनिफर आजीवन बांझ बनकर चुकाती है। इसके बाद जब येनिफर एड्रिन के राजा के सामने जाती है, तब वो राजा येनिफर को अपने देश के लिए जादूगर चुन लेता है। इस घटना के लगभग 10 से 15 साल बाद रानी कैलांथे, जो कि सेंट्रल राज्य की रानी है, अपनी पहली जंग होशेबस से जीतती है। यहाँ हम आपको बता दें कि रानी कैलांथे सीरी की नानी है और वो एक एग्रेसिव और डोमिनेट नेचर वाली रानी है, और उसने आगे जाकर भी कई युद्ध जीते थे। वो पूरे समाज के बनाए गए नियमों को भी बदल देती है, जैसे कि राजा के मृत्यु के बाद कैलांथे ने खुद रानी बनकर अपने साम्राज्य पर राज किया। और इसी समय दूसरी तरफ हमारा विचर गेराल्ट ऑफ रिविया एक मॉन्स्टर किकीमारू को मारकर ब्लेविकन शहर पहुंचता है, ताकि वो किकीमारू को मारने के बदले में कुछ पैसे ले सके। वहां गेराल्ट की मुलाकात रेनफ्री से होती है। रेनफ्री पहले एक राजकुमारी थी, लेकिन जादूगर स्ट्रेगोबोर के लोगों ने रेनफ्री का बलात्कार किया और स्ट्रेगोबोर की वजह से ही वो अब राजकुमारी भी नहीं रही। अब उसे जीने के लिए चोरी और डकैती करनी पड़ती है। रेनफ्री और उसके साथ ही स्ट्रेगोबोर को ढूंढ रहे हैं ताकि रेनफ्री उसे मारकर अपना बदला पूरा कर सके। फिर वहां एक छोटी बच्ची आती है जो गेराल्ट को बोलती है कि किकीमारू की लाश के बदले वहां एक जादूगर उसे पैसे दे देगा। जब गेराल्ट उस जादूगर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो स्ट्रेगोबोर है, जो अपना नाम बदलकर रेनफ्री से छुपकर वहां रह रहा है। स्ट्रेगोबोर गेराल्ट को रेनफ्री को मारने की सुपारी देता है, लेकिन गेराल्ट मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारता है। स्ट्रेगोबोर गेराल्ट को बोलता है कि रेनफ्री एक विकृत है, क्योंकि वो ग्रहण के समय पैदा हुई थी और वो बहुत शक्तिशाली है,
और वो सारे इंसानों को एक साथ खत्म कर सकती है, लेकिन तब भी विचर उसे मारने से मना कर देता है। इसके बाद विचर को जंगल में रेनफी मिलती है और उसे अपने ऊपर हुए अन्याय के बारे में बताती है। रेनफी विचर को स्ट्रैगोबोर को मारने को बोलती है, लेकिन विचर उसे भी मना कर देता है। विचर और रेनफ्री एक दूसरे के करीब आते हैं। यहीं विचर रेनफ्री को ब्लेविकन को छोड़कर जाने को बोलता है और अपना बदला भी भूल जाने को कहता है। रेनफ्री विचर को बोलती है कि कल वो ब्लेविकन छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट सुबह जब विचर उठता है तो अपने पास रेनफ्री को नहीं पाता। वो समझ जाता है कि वो स्ट्रैगोबोर को मारने गई है। गेराल्ट स्ट्रैगोबोर को बचाने जाता है। वहां रेनफ्री के साथ ही गेराल्ट से फाइट करते हैं। गेराल्ट उन सबको मार देता है। फिर वहां रेनफ्री आती है और वो भी गेराल्ट से लड़ती है। गेराल्ट उसे समझाता है पर वो नहीं समझती। फिर अंत में गेराल्ट के हाथों रेनफ्री मारी जाती है। मरते समय वो गेराल्ट को बोलती है, जंगल वाली लड़की ही गेराल्ट की नियति है। यहां हम आपको बता दें कि ये सीरी की बात कर रही थी और सीरी तो भी पैदा भी नहीं हुई थी। रेनफ्री भविष्य देख सकती थी उसी तरह जैसे कि गेराल्ट की माँ भविष्य देख सकती थी। शायद इसीलिए उसने गेराल्ट को कैरमोरान के दरवाजे पर छोड़ा था। ये भविष्य देखने की शक्ति रेनफ्री में इसलिए थी क्योंकि वो ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी, इसलिए उसमें और भी कई शक्तियां थी, जैसे उस पर कोई भी जादू का असर नहीं होता था। इसी कारण स्ट्रैगोबोर रेनफ्री से छुप कर रहता था। रेनफ्री के मरते ही वहां स्ट्रैगोबोर आ जाता है और फिर गेराल्ट को ये रियलाइज होता है कि उसने गलत इंसान का साथ दिया। गेराल्ट ने रेनफ्री को उसके साथियों के सामने मारा था, इसलिए इस घटना के बाद वो बुचर ऑफ ब्लेविकन के नाम से बदनाम हो गया। इस घटना और ऐसी कई घटनाओं के कारण लोग गेराल्ट को पसंद नहीं करते थे और लोगों के बीच गेराल्ट की छवि भी बुरी थी। इस घटना के 7-8 साल बाद गेराल्ट को पोसादा में जैस्कियर मिलता है। जैस्कियर एक पोएट और सिंगर है। जैस्कियर गेराल्ट को अपने साथ ले जाने को बोलता है ताकि वो उसके एडवेंचर्स पर कविताएं बनाकर लोगों को गेराल्ट के बारे में बता सके, और लोगों को गेराल्ट की असलियत पता लगने पर लोग गेराल्ट की रिस्पेक्ट करेंगे और उसे प्यार भी देंगे। उसी वक्त वहां एक किसान गेराल्ट को एक दानव को मारने के लिए 150 डकट देता है जो उसकी फसल को चुराता है। गेराल्ट उस दानव को मारने जाता है और जैस्कियर उसके साथ जाता है। गेराल्ट के मना करने पर भी जैस्कियर उसके साथ चलता रहता है। फिर गेराल्ट को वो दानव मिलता है, लेकिन ये दानव नहीं होता, ये सिल्वर नाम का एक टॉक होता है। टॉक एक प्रकार के बुद्धिमान जीव होते हैं। ये दिखने में इंसान और बकरी का विशालकाय रूप होते हैं। जब गेराल्ट उस सिल्वन को यह जगह छोड़कर जाने को बोलता है तभी वहां गेराल्ट पर कोई अटैक कर देता है और गेराल्ट बेहोश हो जाता है। जब गेराल्ट होश में आता है तो वह एक गुफा में होता है और वहां गेराल्ट को एल्फ का राजा फिलोवेंट्रल मिलता है। गेराल्ट को यह पता चलता है कि एल्फ लोग यहां गुफाओं में छुपकर रहते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि सिल्वन वो अनाज इन एल्फ लोगों के लिए चुराता है क्योंकि इंसानों ने बड़े पैमाने पर एल्फ लोगों का कत्लेआम किया है, और इसके बाद उन्होंने झूठ फैला दिया कि एल्फ लोग अपने सोने के महल में छुपकर रहते हैं। एल्फ लोग गेराल्ट और जैस्कियर को मारने वाले होते हैं। तभी गेराल्ट उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ छुपकर अपने लोगों का अपमान कर रहे हो, तुम लोग वापस से एक हो जाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ, फिर इन इंसानों को बताओ कि तुम लोग क्या चीज हो। फिलोवेंट्रल को गेराल्ट की ये बात सही लगती है और वो ये जान जाता है कि गेराल्ट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ दानवों को मारता है। फिलोवेंट्रल गेराल्ट और जैस्कियर को छोड़ देता है। इसके लगभग 2 साल बाद निल्फगार्ड के लोग भुखमरी से परेशान होकर राजा के खिलाफ राजद्रोह कर देते हैं और फिर इसका फायदा उठाकर राज्य का तख्ता पलट कर दिया जाता है। इस घटना के लगभग 3 महीनों बाद गेराल्ट जब एक प्रोस्टिट्यूट के पास होता है तब वो गेराल्ट को एक विचर के बारे में बताती है जो तमेरिया नामक राज्य गया हुआ है एक दानव को मारने। लेकिन उसने दानव को भी नहीं मारा और वहां से मजदूरों का पैसा लेकर भाग गया। गेराल्ट ये बात सुनकर तुरंत तमेरिया जाने का निर्णय लेता है। यहाँ गेराल्ट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस रूम के मालिक को 3 दिन का किराया दे सके, इसलिए वो अपना घोड़ा उसके पास गिरवी रखकर तमेरिया चला जाता है। गेराल्ट के तमेरिया पहुंचने पर वो देखता है कि वहां के लोग उसे और बाकी विचर्स को चोर बुलाते हैं और वहां का राजा
गेराल्ट को उस देश से निकाल देता है। तभी चुपके से उस राजा की जादूगरनी ट्रिस मैरीगोल्ड वहां पहुंचती है और गेराल्ट को सिपाहियों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। ट्रिस गेराल्ट से मदद चाहती है ताकि वो एक दानव से इस देश को बचा सके और ये सारे कार्य वो उस देश के राजा से छुपकर कर रही थी। ट्रिस गेराल्ट को पैसे देने का वादा करती है और फिर गेराल्ट को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये दानव एक स्ट्रिगा है। स्ट्रिगा बहुत ही दुर्लभ होते हैं और ये सिर्फ श्राप द्वारा बनाए जाते हैं। ये श्राप राजा की बहन एडा को दिया गया था। यहाँ इस श्राप का कारण उस राजकुमारी का पिता फॉल्टेस का होना था, क्योंकि एडा और फॉल्टेस दोनों भाई बहन हैं। इस राज का मंत्री ऑस्ट्रेड राजकुमारी एडा से प्यार करता था और राजा फॉल्टेस और उसकी बहन एडा के बीच इस रिलेशन से मंत्री ऑस्ट्रेड बहुत अधिक क्रोधित था और एडा को श्राप देने में मंत्री ऑस्ट्रेड ने अपना इस्तेमाल होने दिया और फिर ऑस्ट्रेड के कारण एडा को ये श्राप मिला। इसी कारण राजकुमारी एक दानव स्ट्रिगा बन गई और कई मासूमों की जान चली गई, क्योंकि राजा अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने किसी को भी स्ट्रिगा को मारने नहीं दिया। गेराल्ट पूरी जानकारी इकट्ठा करने पर ये समझ जाता है कि उसे श्राप हटाने के लिए स्ट्रिगा को सुबह तक वापस अपनी कब्र में नहीं जाने देना होगा। गेराल्ट उस मंत्री को वहीं छोड़ देता है और स्ट्रिगा उसे जान से मार देती है। इसके बाद गेराल्ट स्ट्रिगा से लड़ता है, लेकिन स्ट्रिगा बहुत शक्तिशाली होती है, यहाँ तक कि गेराल्ट भी उसे हरा नहीं पाता और गेराल्ट बहुत अधिक घायल हो जाता है। तभी गेराल्ट भागकर खुद उस कब्र में घुस जाता है और जादू से उस कब्र को लॉक कर देता है। इस कारण स्ट्रिगा अपने कब्र में नहीं जा पाती और सुबह होने पर यह श्राप खत्म हो जाता है। यहाँ हम गेराल्ट को एक ऐसा विचर देखते हैं जो श्राप से बने दानव को हमेशा ठीक करने की कोशिश करता है, मारने की नहीं। सुबह जब गेराल्ट उस कब्र से बाहर आता है तो वो राजकुमारी गेराल्ट पर हमला करती है। हालांकि वो अब एक नॉर्मल इंसान बन गई थी, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने इतने साल एक दानव की जिंदगी जी थी। गेराल्ट बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो जादूगर ने ट्रिस मैरीगोल्ड को देखता है जो गेराल्ट के जख्मों को ठीक कर उसका इलाज कर रही होती है। ट्रिस मैरीगोल्ड गेराल्ट को बताती है कि वो बेहोशी की हालत में भी रैनफ्री को पुकार रहा था। यहाँ हम ये बताते हैं कि गेराल्ट अभी भी रैनफ्री को चाहता है और उसकी मौत का गेराल्ट को बहुत दुख है। गेराल्ट ट्रिस से पैसे लेकर अपने घोड़े को छुड़ाने चला जाता है और इसके बाद लगभग 5 साल के बाद की कहानी को दिखाया गया है। यहाँ गेराल्ट एक दानव को मार कर आता है और जैस्कियर हमेशा की तरह गेराल्ट के एडवेंचर्स पर कविता लिखकर लोगों को सुनाता है। यहाँ गेराल्ट जैस्कियर की वजह से बहुत लोकप्रिय हो गया था और अब लोग गेराल्ट को चाहते हैं और गेराल्ट को अपना रक्षक मानते हैं। जैस्कियर गेराल्ट को रानी गैलांथे की बेटी राजकुमारी पैवेटा के स्वयंवर में लेकर जाता है। हम आपको यहाँ बता दें कि विचर की जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रानी गेलांथे मर्दों के बनाए नियमों को हमेशा चैलेंज करती है और इसलिए रानी अपने आप को वहां का राजा बना चुकी है, अर्थात रानी गेलांथे अपने देश की सबसे ताकतवर शख्स है। रानी गेलांथे को लोग सिंट्रा की शेरनी बोलते हैं और रानी हमेशा युद्ध में हिस्सा लेती है। रानी ने एल्स लोगों का भी बुरी तरह से संहार किया है। यहाँ भी रानी ने पैवेटा के लिए पहले से ही क्रैशन क्रेट को सिलेक्ट कर रखा था, क्योंकि उसका चाचा राजा ईस्ट एक शक्तिशाली देश का राजा है और ये दोनों देश के एक होने पर उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। रानी गेलांथे और राजा ईस्ट भी एक दूसरे को चाहते हैं और राजा ईस्ट रानी को 3 बार शादी के लिए प्रपोज कर चुका है, लेकिन रानी फिर से शादी कर किसी मर्द के अधीन नहीं होना चाहती। ये स्वयंवर तो सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए रानी बाकी सारे राजकुमारों की बेइज्जती करती जाती है। जैसे कि जब निल्फगार्ड का राजकुमार लॉर्ड पेरेग्रिन आता है, तब रानी गेलांथे उस राजकुमार और निल्फगार्ड की भी बेइज्जती करती है, क्योंकि उस वक्त तक निल्फगार्ड एक छोटा देश था और उतना शक्तिशाली भी नहीं था। यहाँ गेलांथे गेराल्ट को अपने पास बिठाती है और गेराल्ट को बोलती है कि तुम मेरे लिए यहाँ कुछ लोगों को मार देना, तुमको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। लेकिन गेराल्ट इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ दानवों को मारता है। तभी वहां अपना फेस ढके हुए एक योद्धा आता है जो खुद को एलन वर्ल्ड का राजकुमार अर्चियन बताता है और वो पैवेटा का हाथ मांगता है। रानी गेलांथे उसे अपना चेहरा दिखाने को बोलती है पर वो मना कर देता है
और बोलता है उसे एक योद्धा ने रात 12 बजे तक अपना चेहरा ना दिखाने की शपथ दी है। तभी राजा ईश उसका आर्मर गिरा देता है और फिर उस योद्धा का चेहरा दिखता है जो किसी जानवर के जैसा होता है। कैलांथे गेराल्ट को उसे मारने को बोलती है पर गेराल्ट मना कर देता है क्योंकि ये किसी श्राप के कारण ऐसा हो गया था। फिर वो योद्धा वहां नियति के कानून के तहत पैवेटा का हाथ मांगता है। वो बताता है कि उसने पैवेटा के पिता की कई साल पहले जान बचाई थी और तभी पैवेटा के पिता ने उसे उपहार स्वरूप नियति का कानून दिया था। यहाँ नियति का कानून वो उपहार होता है जो कोई अपनी जान बचाने पर यदि उसके पास कुछ ना हो देने को तो किसी को देता है। तो जो पहली चीज उसे मिलती है जो उसकी है पर उसे मालूम ना हो तो उस जान बचाने वाले की हो जाती है। और जब राजा घर पहुंचते हैं तब राजा को पता चलता है कि रानी कैलांथे मां बनने वाली है, इसलिए पैवेटा पर उस योद्धा का हक है। उस वक्त के लोग इस नियति के कानून की बहुत इज्जत करते थे और इसे पूरा सम्मान देते थे। नियति का कानून उसके भाग्य से जुड़ जाता है और फिर किस्मत उन दोनों को जरूर मिलाती है। लेकिन रानी कैलांथे इस बात से क्रोधित हो जाती है क्योंकि वो अंदर आते वक्त पहले वहां खड़े सैनिक को मारता है और फिर सीधे पैवेटा का हाथ मांगता है। कैलांथे अपने सिपाहियों को उसको जान से मारने का हुक्म देती है और सारे सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही एक सिपाही उसे मारने वाला होता है तभी गेराल्ट उसकी जान बचाता है। तभी वहां लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं, आधे लोग कैलांथे का साथ देते हैं और आधे उस योद्धा और गेराल्ट का। तभी वहां सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ कैलांथे को चाहने वाला राजा ईश भी नीति के कानून का सम्मान हो इसलिए कैलांथे के खिलाफ हो जाता है। तभी कैलांथे बीच में आकर सबको रोकती है। फिर उस योद्धा जिसका नाम ड्यूनी भी है उसके पास पैवेटा आती है और सबको बताती है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैलांथे दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर धोखे से ड्यूनी को मारने वाली होती है। यह देखकर पैवेटा जोर से चीखती है। तभी पैवेटा की शक्तियों से एक ऐसा बवंडर बनता है जिससे सब लोग दूर छटक जाते हैं। यह बवंडर इतना ताकतवर होता है कि वहां मौजूद कोई भी इसका सामना नहीं कर पा रहा होता और इसके केंद्र में पैवेटा और ड्यूनी होते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि यह जादुई शक्तियां पैवेटा को उसकी नानी से मिली थी। यहाँ तक कि यह शक्ति कैलांथे के पास भी नहीं थी। ये जादुई शक्ति इतनी अत्यधिक पावरफुल थी कि जादूगर मॉवजैक भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी किसी तरह गेराल्ट उस जादू को तोड़ता है और फिर आखिरकार कैलांथे नीति के कानून या दूसरे शब्दों में कहा जाए आश्चर्य के कानून का मान रखते हुए अपनी बेटी के प्यार को स्वीकार कर लेती है और ड्यूनी और पैवेटा की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कैलांथे और राजा ईश की शादी का भी ऐलान होता है और फिर ड्यूनी को उसकी नीति यानी पैवेटा के मिलते ही उसका श्राप भी समाप्त हो जाता है और ड्यूनी वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। ड्यूनी गेराल्ट को उसकी जान बचाने के लिए इनाम मांगने को बोलता है। पहले तो गेराल्ट उसे मना कर देता है लेकिन ड्यूनी के रिक्वेस्ट करने पर गेराल्ट भी आश्चर्य के कानून को मांग लेता है, अर्थात जो ड्यूनी का है पर ड्यूनी को उसका पता नहीं है वो अब गेराल्ट का हो जाएगा। तभी पैवेटा को उल्टियां होती हैं, अर्थात पैवेटा ड्यूनी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो यहाँ पैवेटा और ड्यूनी का बच्चा नियति के कानून यानी आश्चर्य के कानून के हिसाब से गेराल्ट का हो जाता है और गेराल्ट और उसकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाती है। लेकिन गेराल्ट इन सब बातों को नहीं मानता और वहां से चला जाता है और उसी क्षण गेराल्ट और वो बच्चा जो कि सीरी है एक अटूट रिश्ते में बन चुके थे। दूसरी तरफ येनेफर पिछले 30 सालों से राजा एड्रियन के लिए काम कर रही थी और अब येनेफर इन सब चीजों से ऊब गई थी क्योंकि ये राजा अपने स्वार्थ और सिर्फ अपनी राजगद्दी के लिए जीते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और षड्यंत्र भी करते हैं। इसी दौरान येनेफर को रानी कैलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और वो रानी को उनके देश ले जा रही होती है। तभी रानी पर हमला होता है, एक हत्यारा और एक शैतान रानी के सभी सैनिकों को मार देता है। येनेफर रानी को बचाने के लिए अलग अलग पोर्टल्स खोलकर भागती है लेकिन वो हत्यारा भी रानी और येनेफर का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी वो रानी येनेफर को बुरा भला बोलने लगती है कि वो रानी को बचा नहीं रही है, सिर्फ यहाँ से वहां भगा रही है।
इन बातों से येनिफर को बुरा लगता है और येनिफर रानी और उसके बच्चे को वहीं छोड़कर सिर्फ खुद को वहां से गायब कर दूसरी जगह चली जाती है और यहाँ वो हत्यारा रानी को मार देता है। लेकिन येनिफर को यह एहसास होता है कि उसने ठीक नहीं किया, इसलिए येनिफर वहां वापस जाती है और इससे पहले कि वो शैतान उस बच्चे को मार दे, येनिफर उसे खत्म कर देती है। येनिफर उस बच्चे को उठाकर वहां से भागती है। तभी जब वो उस पोर्टल में जा रही होती है, वो हत्यारा चाकू फेंकता है जिससे येनिफर घायल हो जाती है। येनिफर उस बच्चे को भी नहीं बचा पाती। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि राजा ने ही करवाया था। यह हम आपको बता दें कि राजा ने रानी और उसकी बच्ची का मर्डर इसलिए करवाया क्योंकि उसे अपने राज्य के लिए वारिस चाहिए था, मतलब लड़का। लेकिन रानी सिर्फ लड़कियों को ही जन्म दिए जा रही थी। इस घटना से येनिफर बहुत दुखी हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी राजा की गुलामी नहीं करेगी। उस बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं येनिफर के अंदर मातृत्व की भावना जाग उठती है और वो ये निर्णय लेती है कि वो अब सिर्फ अपने लिए ही जिएगी और अब वो माँ भी बनना चाहती है। इसलिए येनिफर एक जगह से दूसरी जगह भटकती है ताकि वो किसी तरह कोई इलाज या तरीका ढूंढ ले जिससे वो माँ बन सके। येनिफर एक शहर में पहुँचती है जहाँ वो जादू से लोगों का इलाज करती है ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सके। तभी उस शहर का मेयर येनिफर को बंदी बनाकर ले जाता है क्योंकि वो उसे टैक्स देने से मना कर देती है। यहाँ येनिफर मेयर के घर पर बंदी तो होती है लेकिन वो मेयर और बाकी लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिस कारण वो लोग येनिफर की हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसी दौरान टीसिया येनिफर से मिलने आती है और उसे समझाती है कि वो ये सब ना करे और वापस उसके साथ एर्थुजा चले, क्योंकि ये सब येनिफर ने खुद ही चुना था और इसलिए अब वो माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन येनिफर उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि वो इसका इलाज ढूंढ कर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ गेराल्ट बहुत ही बेचैन और दुखी होता है क्योंकि उसे अब रातों की नींद भी नहीं आती और इसके इलाज के लिए वो तालाब के किनारे मछली पकड़ने वाले जाल से एक जिन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो जिन से अपनी नींद आने की इच्छा मांग सके। यहाँ हम आपको बता दें कि गेराल्ट को आश्चर्य का कानून का इनाम मांगे यहाँ लगभग 2 साल हो चुके हैं और सिरी का भी जन्म हो चुका है, लेकिन गेराल्ट अपनी नियति से दूर भाग रहा है इसलिए वो इतना बेचैन है। यहाँ जैसके गेराल्ट को बोलता है कि शायद तुम्हारी परेशानी का इलाज तुम्हारी नियति है यानी सिरी, लेकिन गेराल्ट जैसके को नज़रअंदाज करता है और फिर गेराल्ट को जिन का बॉटल मिल जाता है। उसी दौरान गेराल्ट जैस्कियर के गाने का मजाक उड़ा देता है, जिस पर जैस्कियर उसे माफी मांगने को बोलता है और वो बॉटल खींचने लगता है। तभी वो बॉटल खुल जाता है और जिन आजाद हो जाता है। जैस्कियर जिन से 2 इच्छाएं मांगता है पर कुछ नहीं होता और फिर जैस्कियर वो बॉटल को तोड़ देता है। इन सब बातों से गेराल्ट चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम शांत हो जाओ और मुझे थोड़ी शांति चाहिए। गेराल्ट उस बॉटल के टूटे हुए टुकड़े उठाने लगता है, तभी उसके हाथ पर एक कट का निशान आता है और जैस्कियर की आवाज बंद हो जाती है और वो तकलीफ में आ जाता है। यहाँ जिन का मालिक जैस्कियर नहीं बल्कि गेराल्ट है, जिसका उसे पता ही नहीं था, और जिन ने जैस्कियर की आवाज बंद कर गेराल्ट की पहली इच्छा पूरी कर दी है। गेराल्ट जैस्कियर को एक वैद्य के पास लेकर जाता है जो एक एल्फ होता है। वो गेराल्ट को बोलता है कि इसकी आवाज़ जादू के कारण बंद हो गई है और इसका इलाज भी जादू से ही हो सकता है और यदि ज़्यादा देर हुई तो जैस्कियर मर जाएगा। गेराल्ट उस शहर में जो जादूगर है जो कि मेयर के घर में बंदी है उसके पास जाने का निर्णय लेता है। वो एल्फ गेराल्ट को बोलता है कि वो जादूगर के पास ना जाए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और चलाक है, लेकिन गेराल्ट नहीं मानता। जब गेराल्ट वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि वो जादूगर येनिफर है। ये गेराल्ट और येनिफर की पहली मुलाकात होती है। येनिफर वहाँ सभी लोगों को अपने वश में कर रखी होती है। येनिफर गेराल्ट की जैस्कियर को ठीक करने की बात को मान जाती है और उस जिन के बारे में बताते वक्त गेराल्ट उसे बताता है कि जिन जिस बॉटल में बंद था वो अब टूट चुकी है और अब वो आज़ाद है। येनिफर जादू के जरिए उस जिन को काबू में कर अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए पहले उसे उसके मालिक से मुक्त कराना होगा। जैस्कियर का इलाज स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि गेराल्ट येनिफर की कलाई और उसकी मानसिकता से समझ जाता है कि बचपन में वो शारीरिक रूप से विकृत थी और उस पर कई जुल्म भी किए गए थे। यहाँ यह भी पता चलता है कि विचर को बनाने में जादू का भी इस्तेमाल किया जाता है। तभी गेराल्ट को पता चलता है कि येनिफर उस जिन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। गेराल्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी येनिफर गेराल्ट को भी वश में कर उसके जरिए उस शहर के परिषद के सदस्यों की पिटाई करवा देती है। और जब गेराल्ट को होश आता है तो वो खुद को जेल में पाता है, जहां वो वैद भी होता है। और वो गेराल्ट को ये सब बताता है जो गेराल्ट के लिए एक सपने जैसा होता है। तभी वहां मेयर का सिपाही आता है जो गेराल्ट को मारता है और गेराल्ट को उसके मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तभी गेराल्ट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सर फट जाए। तभी उस सिपाही का सर फट जाता है और गेराल्ट के हाथों में दूसरा कट का निशान बन जाता है। तभी गेराल्ट को यह पता चलता है कि जिन का असली मालिक वो है, ना कि जेस्कियर। दूसरी तरफ येनिफर जेस्कियर को ठीक कर उसकी आखिरी इच्छा मांगने को बोलती है और फिर जिन को अपने वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन जिन अभी भी अपने असली मालिक गेराल्ट का गुलाम था और इतना शक्तिशाली था कि वो येनिफर को भी जान से मार सकता है। उसी वक्त वहां गेराल्ट पहुंचता है और येनिफर को जिन को रिहा करने को बोलता है। येनिफर उसकी बात नहीं सुनती और फिर गेराल्ट अपनी आखिरी ख्वाहिश जिन से मांगता है और जिन येनिफर को छोड़कर चला जाता है। यहाँ गेराल्ट ने आखिरी ख्वाहिश क्या मांगी ये नहीं बताया गया, लेकिन गेराल्ट ने कुछ ऐसा मांगा था कि जिन येनिफर की जान भी ना ले और येनिफर उसके जरिए माँ भी बन जाए। इससे येनिफर की जान भी बच गई और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बात से येनिफर गेराल्ट की नियति का हिस्सा बन जाती है और ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हालांकि गेराल्ट और येनिफर पहले से ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। जिन के रिहा होने पर येनिफर गेराल्ट पर चिल्लाती है। गेराल्ट उसे समझाता है कि ये सब उसने उसकी जान बचाने के लिए किया है और फिर इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस बनते हैं। और जैसे कि हमारा गेराल्ट है, वो हमेशा अपनी नियति से दूर भागता है ताकि वो किसी बंधन में ना बन जाए। यहाँ भी ये सब हो जाने के बाद जब ये दोनों सो जाते हैं, गेराल्ट येनिफर के उठने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब येनिफर और गेराल्ट की किस्मत आपस में जुड़ गई है, इसलिए किस्मत बार बार उन्हें मिलाती है और वो बार बार एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन अब गेराल्ट को येनिफर से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ रहना चाहता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जिन वाली घटना के लगभग 6 से 7 साल बाद गेराल्ट को एक दानव को मारने के बाद एक बॉस नाम का आदमी मिलता है, जिसकी 2 खतरनाक फीमेल बॉडीगार्ड्स हैं। वो गेराल्ट को अपने साथ ड्रैगन्स का शिकार करने के लिए चलने को बोलता है और उसे उसके बदले में खजाने का लालच देता है। लेकिन गेराल्ट उसे मना कर देता है। वो गेराल्ट को बताता है कि उसके अलावा 4 और ग्रुप्स हैं जिन्हें वहां के राजा ने ड्रैगन्स को मारने और उनका इनाम पाने का मौका दिया है। इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप बोनो का है, एक लुटेरों का, एक उसके खुद का और एक ग्रुप में येनिफर और उसका रक्षक डेनेसले राज्य का राजकुमार है। गेराल्ट येनिफर को देखकर साथ में आने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो बोर्ज को बोलता है कि वो पैसों के लिए ड्रैगन्स को नहीं मारेगा, लेकिन अगर रास्ते में दानव मिलेंगे तो उन्हें मार देगा। तो अब बोर्ज की टीम में बोर्ज, उसकी दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स जेस्कियर और गेराल्ट हो जाते हैं। यहाँ से ये लोग ड्रैगन की गुफा की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि ड्रैगन्स 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि अब सारे ड्रैगन्स बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि लोग ड्रैगन्स के खजाने की लालच में उन्हें मारते जा रहे हैं। इसमें से हरे ड्रैगन सबसे आम होते हैं, जिनमें से एक की खोज के लिए ये लोग आगे जा रहे हैं। इसके बाद लाल ड्रैगन्स आते हैं जो बहुत कम बचे हैं, और उसके बाद काले ड्रैगन्स जो विलुप्ति की तादाद पर हैं, और अंत में आते हैं गोल्डन ड्रैगन्स जो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। और गोल्डन ड्रैगन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो इंसान का भी रूप धारण कर सकते हैं। अगले दिन येनिफर के रक्षक को कोई जान से मार देता है और सबका शक लुटेरों पर जाता है। और फिर बोने बोर्ज को एक शॉर्टकट रास्ते से जाने को बोलते हैं। लुटेरों को छोड़ बाकी सभी शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। हालांकि येनिफर अकेले जा रही थी, लेकिन गेराल्ट ने उसे अपने ग्रुप में साथ ले लिया। ये शॉर्टकट रास्ता खतरों से भरा हुआ था। पहाड़ों के बीच बनी लकड़ियों की पट्टियों वाली पगडंडी से जाते हुए बॉर्ज वहां से गिर जाता है
और उसके पीछे उसकी फीमेल बॉडीगार्ड्स भी नीचे कूद जाती हैं। आगे बढ़कर ये लोग आराम करते हैं और फिर रात में गेराल्ट और येनेफर एक बार फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। सुबह होते ही येनेफर ड्रैगन की गुफा की ओर भागती है, उसके पीछे गेराल्ट भी भागता है। येनेफर अपने जादू से उन बौनों को कुछ समय के लिए स्थिर कर देती है। जैसे ही येनेफर और गेराल्ट गुफा में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रैगन मर चुका है और बोर्ज और उसकी दोनों रक्षक ड्रैगन के अंडे की रक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि बोर्ज एक गोल्डन ड्रैगन है और उसने ये सब सिर्फ उस अंडे को बचाने के लिए किया था। तभी वहाँ लुटेरे पहुंच जाते हैं, फिर येनेफर और गेराल्ट बोर्ज की मदद करते हैं और लुटेरों को मार देते हैं। अंत में ये लोग बोनों को ड्रैगन के दांत देते हैं ताकि वो राजा से ड्रैगन को मारने का इनाम ले सके। आखिर में बोर्ज येनेफर के सामने गेराल्ट को जिन से विश में येनेफर को अपने करीब लाने वाली बात बोलता है। तभी येनेफर गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि गेराल्ट के लिए उसका प्यार सच नहीं है बल्कि जादू के कारण है और वो गेराल्ट को छोड़कर चली जाती है। बोर्ज उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी नियति यानी आश्चर्य के बच्चे के पास जाना चाहिए और वो चला जाता है। लास्ट में गेराल्ट सारा गुस्सा जैस्कियर पर निकालता है और जैस्कियर को बोलता है कि उसकी सारी तकलीफ जैस्कियर के कारण है। वो चाहता है कि जैस्कियर उसे अकेला छोड़ दे, फिर जैस्कियर भी दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ निल्फगार्ड का असली वारिस लौट आया है और उसने पूरे दक्षिण के देशों को तबाह करना शुरू कर दिया है। ड्रैगन वाली इस घटना को लगभग 6 साल से ज्यादा हो चुका है और अब गेराल्ट अकेले ही घूमकर दानवों को मार रहा होता है। लेकिन सीरी जो उसकी असली नियति है उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और अब धीरे धीरे गेराल्ट को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो अपनी नियति यानी सीरी से दूर नहीं भाग सकता। दूसरी तरफ निल्फगार्ड की सेना दूसरे देशों को हराते हुए तेजी से सिंट्रा की ओर बढ़ रही होती है और सिंट्रा की युद्ध में साथ देने आ रही स्केलिगन की जहाजें यानी राजा ईस की सेना के 50 जहाजों को फ्रिंजेला समुद्र में ही डुबो देती है। इस घटना के एक दिन बाद गेराल्ट निल्फगार्ड की पूरी सेना को एमल के पहाड़ों पर देखता है जो सिंट्रा की ओर बढ़ रहे होते हैं और फिर गेराल्ट सिंट्रा जाता है। गेराल्ट 12 सालों बाद सिंट्रा लौटा है। वो जादूगर माउसैक से मिलता है और गेराल्ट को पता चलता है कि नियति का बच्चा एक लड़की है यानी राजकुमारी सीरी। रानी कलांते गेराल्ट को मरवाने की कोशिश करती है लेकिन गेराल्ट और माउसैक बच जाते हैं। गेराल्ट रानी कलांते से मिलता है और उसे सीरी की रक्षा के लिए उसके साथ भेजने को बोलता है। पहले रानी कलांते उसे मना करती है और फिर सीरी की जगह किसी और को छल से गेराल्ट के साथ भेजने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ नीति गेराल्ट को सीरी के पास लाती है और गेराल्ट को असली सीरी का पता चल जाता है। ये वही सीन है जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था जहाँ सीरी बच्चों के साथ बाहर खेल रही होती है। गेराल्ट रानी पर भड़कता है कि उसने पहले उसे मरवाना चाहा और फिर छल से किसी और बच्चे को उसके साथ भेजने की कोशिश की। गेराल्ट उसे समझाता है कि निल्फगार्ड से सिंट्रा हार गया तो सीरी का क्या होगा, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए सीरी को उसके साथ जाने दो और सब ठीक होने पर वो सीरी को वापस ले आएगा। लेकिन रानी कलांते नहीं मानती और गेराल्ट को कैद कर लेती है, यहाँ तक कि इस बार राजा ईश भी आश्चर्य के कानून का साथ नहीं देता, वो भी रानी का ही साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ येनेफर अपने अकेलेपन के कारण वापस स्त्रेट के पास जाती है और उसे एक साथ होकर नई जिंदगी शुरू करने को बोलती है, लेकिन स्त्रेट इस बार उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे पास आना चाहता था तब तुमने मुझे आने नहीं दिया और अब ऐसा वो नहीं चाहता, वो अपने काम से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तभी वहाँ येनेफर को विल्जे फोर्ट्स मिलता है जो उसे थेसिया के नाम पर झूठ बोलकर एरेतुजा ले जाता है। येनेफर को एरेतुजा में उत्तर राज्य के जादूगरों की आपातकालीन मीटिंग का पता चलता है। येनेफर को ये भी पता चलता है कि निल्फगार्ड दक्षिण के सारे राज्यों को हराते हुए सिंट्रा पर हमला करने वाला है और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है। यहाँ थेसिया और उसके साथी जादूगर निल्फगार्ड को रोकना चाहते हैं लेकिन फ्रंजेला स्ट्रेगोबोर और उसके साथी बाकी के जादूगरों को अपने साथ लेकर ऐसा होने नहीं देते। इसके बाद थेसिया येनेफर को बताती है कि वो लोग उत्तर देश के राजाओं के साथ निल्फगार्ड के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं और वो येनेफर का भी साथ चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निल्फगार्ड सिंट्रा पर हमला कर देता है और सिंट्रा हार कर बर्बाद हो जाता है। जब ये सब हो रहा होता है तब गेराल्ट ऑफ रिविया सिंट्रा के कैद खाने में ही बंद होता है।
रानी के लांथे हार कर घायल हो चुकी होती है। तब उसे माउसेक समझाता है कि सिरी की रक्षा के लिए उसे गराल को ही सौंप देना ठीक होगा। रानी के लांथे नियति को मानते हुए सिरी को गराल को सौंपने का निर्णय लेती है। जब ये लोग गराल को कैद खाने से निकालने जाते हैं, उससे पहले ही गराल कैद से भाग जाता है। यहाँ रानी सिरी को बोलती है कि वो रिविया के गराल के पास जाए, वही उसकी नियति है और वही उसकी रक्षा भी करेगा। जब रानी के लोग गराल को ढूंढ रहे होते हैं, उसी वक्त गराल सिरी को बचाने के लिए भी उसे ढूंढ रहा होता है। माउजैग गराल के ना मिलने पर सिरी को दूसरे रास्ते से सिंट्रा से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ गराल रानी के लांथे की लाश देखता है। रानी भी हार के बाद आत्महत्या कर लेती है और फिर सिरी को ढूंढते हुए गराल सिंट्रा से चला जाता है। सिंट्रा से बाहर निकलते समय सिरी को निल्फगार्ड का सेनापति काहिल पकड़ लेता है और वो सिरी को अपने घोड़े पर लेकर जा रहा होता है। सिरी को जलता हुआ शहर और उसका महल दिखता है। फिर सिरी जोर से चीखती है, जिस कारण सिरी की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा चट्टान सिरी और काहिर के बीच में गिरता है और फिर वहां की जमीन भी फट जाती है। अंततः सिरी वहां से भाग जाती है और काहिर कुछ नहीं कर पाता। सिरी 3 दिन तक भूखे प्यासे जंगल में भटकती है। उस जंगल में उसे डोरा नाम का एक लड़का मिलता है जो एक एल्फ होता है। उस जंगल में सिरी को अपनी भूख मिटाने के लिए चूहे तक खाने पड़ते हैं। इसके अगले दिन सिरी को सिंट्रा के लोगों का रिफ्यूजी कैंप दिखता है। उस कैंप पे लोगों के हालात बहुत ही खराब होते हैं। वहां सिरी को एक लड़का देखता है जो सिरी को खाना देता है और उसे अपने परिवार के टेंट पे ले जाता है। इस लड़के की माँ सिरी को अपने साथ शरण देती है और फिर रात में उस कैंप पर निल्फगार्ड की सेना अटैक कर देती है। चारों तरफ कत्लेआम हो रहा होता है, यहाँ तक कि सिरी के सामने ही उस औरत का गुलाम बोना उसे बहुत ही क्रूरता से मार देता है। तभी वहाँ डोरा आता है और सिरी को उस कैंप से निकाल कर ले जाता है। फिर 2 दिन बाद भटकते हुए ये लोग ब्रोकिलॉन के जंगलों के पास पहुँचते हैं। तभी जंगल से सिरी को कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उस आवाज़ के पीछे उस जंगल के अंदर पहुँच जाती है। सिरी के पीछे डोरा भी ब्रोकिलॉन के जंगलों में आ जाता है। इस जंगल में रहने वाले और उसकी सुरक्षा करने वाले लोग सिरी और डोरा को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को अपनी रानी इतने के पास ले जाते हैं। इस जंगल में रहने वाली ये सारी औरतें गुरीला युद्ध कला में माहिर होती हैं और इनके समूह में सिर्फ औरतें ही होती हैं। ये जंगल आश्चर्यचकित रूप से जादुई होता है। जंगल की रानी इतने सिरी और डोरा को जंगल का पानी पिलाती है। इस पानी के द्वारा यदि उनके मन में जंगल के लिए कुछ गलत होगा तो वो मर जाएंगे और यदि उनका दिल साफ होगा तो वे सब कुछ भूल जाएंगे और इन लोगों के समूह में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सिरी पर इस पानी का कोई असर नहीं होता क्योंकि सिरी के पास बहुत ही शक्तिशाली जादुई पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ निल्फगार्ड का सेनापति काहिर माउजैक के जरिए सिरी का पता कर लेता है और फिर माउजैक को मारकर एक डॉपलर को माउजैक का रूप धारण कर ब्रोकिलॉन के जंगल में भेजता है। ये डॉपलर किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही उसकी सारी यादों को भी कॉपी कर लेते हैं। ये डॉपलर माउजैक के रूप में ब्रोकिलॉन के जंगलों में पहुंचता है और फिर वहां से सिरी को अपने साथ लेकर आ रहा होता है। सिरी के साथ डोरा भी आता है। पहले तो डोरा को इस पर शक होता है और फिर सिरी को। सिरी इससे कुछ सवाल करती है जिससे इस डॉपलर की असलियत सामने आ जाती है। सिरी और डोरा इस डॉपलर से लड़ते हैं। इसी बीच डॉपलर को सिरी की शक्तियों का अंदाजा लग जाता है। सिरी को बचाने के बाद डोरा उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि जब से वो सिरी से मिला है उसे बार बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ येनेफर बाकी जादूगरों के साथ निल्फगार्ड के विरुद्ध जंग की तैयारी करती है। सिरी के अकेले होने के बाद 4 दिनों तक भटकते हुए वो एक बाजार में पहुंचती है। वहां सिरी को एक औरत मिलती है जो सिरी को बोलती है, तुम यहाँ अकेले सुरक्षित नहीं हो, और वो सिरी को अपने साथ अपने घर लेकर जाने की बात करती है। इसके बाद सिरी वहां से एक घोड़ा चोरी कर भाग जाती है। फिर रात में सिरी को उसके दोस्त जिनके साथ सिरी पली बड़ी है, सिरी को पकड़कर निल्फगार्ड के सेनापति को देने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। सिरी उन्हें समझाती है कि हम लोग दोस्त हैं और साथ खेलकर बड़े हुए हैं और थोड़े पैसों के लिए वो ऐसा ना करें, पर वो लोग नहीं मानते।
और तभी सीरी के खतरे में होने के कारण उसका पावर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सीरी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है और अंत में वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब सीरी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोस्त और वो सारे लोग जो सीरी को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ही भयानक तरीके से मरे पड़े हैं। फिर वो बाजार वाली औरत सीरी के पास आती है और सीरी को वहाँ से अपने घर लेकर जाती है। वो सीरी को अपनी बच्ची की तरह प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा गेराल्ट उस रिफ्यूजी कैंप से गुजर रहा होता है जहाँ निफगार्ड ने 7 दिन पहले कत्लेआम कर दिया था। वहाँ चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। वहाँ एक आदमी उन लाशों को सम्मान देने के लिए दफन कर रहा होता है। तभी वहाँ गेराल्ट को मांस खाने वाले दानवों का एहसास हो जाता है और गेराल्ट उस इंसान को उन दानवों से बचाता है। इसी लड़ाई में गेराल्ट को दानव काट लेते हैं और वो घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ येनेफर, तिसिया, विल्केफॉर्ड्स अपने साथी जादूगरों के साथ सॉर्डन के किले पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ 22 ही होते हैं लेकिन वहां पर इन लोगों को बचे हुए लोग, औरतें और किसानों का जंग लड़ने में साथ मिलता है। इन लोगों का सब कुछ निल्फगार्ड ने छीन लिया था इसलिए अब ये लोग इन जादूगरों का युद्ध में साथ दे रहे हैं। ये सॉर्डन का किला उत्तर के राज्यों को बचाने का अंतिम रास्ता है क्योंकि यदि निल्फगार्ड इसे पार कर लेंगे तो फिर उत्तर के सभी राज्यों को भी वो हरा कर बर्बाद कर देंगे। यहाँ उत्तर के सभी राज्यों ने भी उनका साथ देने को सहमति दी है लेकिन जब तक वो लोग यहाँ नहीं आ जाते इन लोगों को ही इस किले को बचाना होगा। ट्रिस को भी राजा फॉल्टेस ने साथ देने का वादा किया है और वो भी यहाँ आने वाला है। राजा फॉल्टेस वही है जिसकी बेटी स्ट्रिगा थी और ट्रिस और गेराल्ट ने श्राप से उसे मुक्त करवाया था। ये सब युद्ध की तैयारी करते हैं और फिर रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं निल्फगार्ड इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रिंजेला युद्ध में काला जादू और दूसरे जादूगरों का भी इस्तेमाल कर रही है। फ्रिंजेला के इशारों पर जादूगर अपनी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर आग के गोले में खुद को तब्दील कर मर जाते हैं और फिर ये उन आग के गोलों से हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ सीरी उस औरत के घर पर होती है जो इस युद्ध भूमि से ज्यादा दूर नहीं था और वो भी इस आग के गोलों के अटैक को देख पाती है। जब सुबह हो जाती है तो यहाँ वो आदमी घायल विचर को अपने घर ले जा रहा होता है और विचर को उसी घायल अवस्था में सपना आता है। उस सपने में वो अपनी माँ विसेना को देखता है जो उसका इलाज कर रही होती है। यहाँ दूसरे दिन युद्ध शुरू हो चुका होता है। निल्फगार्ड की सेना को ट्रिस और बाकी जादूगर जादू के इस्तेमाल से मार रहे होते हैं और तिसिया इनका नेतृत्व कर रही होती है। येनेफर ऊंची मीनार पर से सबसे संपर्क कर आने वाले खतरों की जानकारी दे रही होती है। दूसरी तरफ निल्फगार्ड के सैनिकों की फ्रिंजेला लड़ने में जादू से मदद कर रही होती है। इसी बीच तिसिया फ्रिंजेला को समझाने जाती है तो वो धोखे से उस पर काला जादू कर उसे वीक कर देती है। तभी फ्रिंजेला एक ब्लैक बॉक्स उस किले के दरवाजे से सैनिक के द्वारा अंदर पहुंचा देती है। ये ब्लैक बॉक्स खुलता है और उसमें से कई सारे कीड़े निकलते हैं। ये कीड़े लोगों के कान में घुस जाते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। ये लोग अपने ही बारूद से अपने सारे बारूदों को उड़ा देते हैं जिस कारण इनके काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ विल्जे फोर्ट्स निल्फगार्ड के सेनापति काहिर से लड़ता है और फिर घायल होकर बेहोश हो जाता है। इनके कई सारे लोगों के मरने के कारण ये लोग कमजोर पड़ने लगते हैं जबकि निल्फगार्ड की सेना की संख्या बहुत होती है और अब एक एक कर जादूगर को निल्फगार्ड की सेना मारने लगती है। ट्रिस भी निल्फगार्ड की सेना को किले के अंदर आने से रोकते हुए घायल होकर मर जाती है। इधर विल्जे फोर्ट्स को होश आता है और वो अपनी ही साथी जादूगर को मार देता है। यहाँ विल्जे फोर्ट्स का हम यूटर्न देखते हैं और इसी कारण वो निल्फगार्ड का साथ देता है। यहाँ येनेफर भी घायल हो चुकी होती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि पूरा किला जल रहा होता है। उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं। येनेफर घायल अवस्था में ही तिसिया से मिलती है। वो येनेफर को अपनी पावर्स यूज करने को बोलती है। फिर येनेफर अपनी पावर से जलते हुए किले की सारी आग अपने अंदर सोख लेती है और फिर उस आग से सारी निल्फगार्ड की सेना को अकेले ही जला देती है। येनेफर इसलिए बहुत खास थी क्योंकि उसमें बहुत सारी पावर्स थी जिनको कंट्रोल कर वो अकेले ही पूरी सेना को जला पाई। लेकिन इसके बाद येनेफर वहां से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फॉल्टेस अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचता है।
फिर अगली सुबह सीरी को सपने में रानी कलांथे दिखती है, जो उसे बोलती है कि उसकी नेती रिविया का गेराल्ट है और वो उसे ढूंढे। सीरी उठकर घर से बाहर निकलती है और सीधे जंगल की ओर चली जाती है। फिर वहां वो आदमी घायल गेराल्ट को लेकर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस औरत ने सीरी को बचाया था उस आदमी की पत्नी है। वो उस आदमी को बताती है कि वो एक बच्ची को अपने साथ लेकर आई थी जो अब जंगल में चली गई है। उनकी ये बातें सुनकर गेराल्ट को रेनफी की बात याद आती है कि जंगल वाली लड़की ही उसकी नियति है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर गेराल्ट भी जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में उसे उसकी नियति यानी सीरी मिलती है और सीरी गेराल्ट से पूछती है येनेफर कौन है। यहाँ हम आपको बता दें कि येनेफर अभी मरी नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लोगों को नहीं जलाया था, बल्कि किले में जल रही आग को अपने अंदर लेकर ट्रांसफॉर्म किया था। और कहीं ना कहीं येनेफर ने ही सीरी की गेराल्ट से मिलने में मदद की है। ये सीजन यहीं खत्म होता है। हम आपको सीजन 2 का एक स्पॉइलर बताने जा रहे हैं। यदि आप ये स्पॉइलर नहीं जानना चाहते तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। अकॉर्डिंग टू द बुक, गेराल्ट सीरी को कैर मोरन लेके जाता है और वहाँ सीरी की विचर बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। सीरी पहली और एकमात्र फीमेल विचर बनती है। क्योंकि सीरी के पास असीम पावर्स हैं और वो उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानती, इसलिए येनेफर उसे उन पावर्स को कंट्रोल करना सिखाती है। यहाँ येनेफर सीरी की माँ का रोल अदा करती है और गेराल्ट की तीसरी विश भी पूरी हो जाती है, क्योंकि येनेफर गेराल्ट के जरिए सीरी की माँ बन गई है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, निल्फगार्ड जो पूरे महाद्वीप पर राज करने के लिए एक एक कर हर राज्य को हरा कर तबाह करता जा रहा है, उसका राजा कोई और नहीं बल्कि सीरी का पिता ड्यूनी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज द विचर सीजन 1 पर बना हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और यदि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय।